दोस्तों वर्ल्ड कप 2023 के लिए इंडियन टीम का ऐलान हो गया है, जिसमें कई दिग्गज खिलाड़ियों को बाहर का रास्ता दिखाया गया है, तो वहीं कई नए खिलाड़ियों को टीम में मौका दिया गया है। बता दें दोस्तों कि इस बार वर्ल्ड कप टूर्नामेंट का आयोजन भारत में होने जा रहा है। टीम इंडिया इस टूर्नामेंट में भारतीय सरजमीन पर साल 2011 में धोनी की कप्तानी में चैंपियन बनी थी, और इस बार भी विश्व कप का आगाज भारतीय सरजमीन पर होने जा रहा है, जिससे इस बार भी विश्व कप जीतने का प्रबल दावेदार भारत को ही माना जा रहा है। दोस्तों आगे वीडियो में बताएंगे कि किस दिग्गज खिलाड़ियों को बाहर का रास्ता दिखाया गया है, लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पे नए हो तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और हाँ बेल आइकन को ऑन करना ना भूलना, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। बता दें दोस्तों कि इस वर्ल्ड कप के लिए टीम इंडिया ने शिखर धवन, आर अश्विन और युजवेंद्र चहल जैसे कई दिग्गज खिलाड़ियों को मौका नहीं दिया है। तो वहीं भारतीय टीम में 15 खिलाड़ी कुछ इस प्रकार से हैं: रोहित शर्मा जो कि कैप्टन है, शुभमन गिल, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, ईशान किशन, केएल राहुल, हार्दिक पांड्या जो कि वाइस कैप्टन है, सूर्य कुमार यादव, रविंद्र जडेजा, अक्षर पटेल, शार्दुल ठाकुर, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद शमी, मोहम्मद सिराज और कुलदीप यादव। दोस्तों क्या इस वर्ल्ड कप में शिखर धवन को मौका देना चाहिए था या नहीं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।